आज हम लोग बलोच जेनोसाइड जो हो रहा है पाकिस्तान में अभी एज वी स्पीक बहुत लोगों को मारे जा रहे हैं, गनशिप से मारे जा रहे हैं, तो उनका कोई बात बोलने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोग इंडियन अमेरिकन्स यहाँ पे आके भी उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो 2016 में रेड फोर्ट से बोले कि बलोच लोगों का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उनको उठाएंगे हर जगह, तो अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। और इलेक्शंस भी आ रहा है तो इसके लिए बलोच लोगों को मदद करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है इसका मकसद यूनाइटेड नेशन को ये बताना है कि बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता 65 सालों से पाकिस्तान वहाँ पर क्या करते चली आ रही है, इस्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो वहाँ बलूचिस्तान में हो रही है, इसके बारे में हम हमारा एक डिमांड है यूनाइटेड नेशन से कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम मिशन टीम बलूचिस्तान पे भेजें और वहाँ पर जितने लोग लापता हुए हैं उनको बाजियाब करने के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी एक कोशिश करें इसका जब और दूसरा हमारा एक अहम डिमांड यूनाइटेड नेशन से ये भी है कि बलूचिस्तान एक ऑक्यूपाइड लैंड है, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे जबरन कब्जा कर रखा है और हम यूनाइटेड नेशन से ये डिमांड करते हैं कि एक जो कब्ज़ा स्टेट है वहाँ पर एक स्टेट ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो किस हैसियत से चाइना को वहाँ पर एक सी पैक के लिए छोड़ देता है।